Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear angels. I hope you are fine at home and doing well. Dear kids, today we have to start our grammar questions. Composition we have already started. Today we start the lessons of our grammar. Fine. Our today's lesson is present continuous tense. I hope all of you take out your book, page number 59. Fine. We have a topic, present continuous tense. First of all, we see this topic from our board. Then after we see from a book. What is a present continuous tense? Present continuous tense होता क्या है? Present continuous tense वो होता है जो present में चल रहा होता है. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सब सुन रहे हैं. मैं कहती हूँ बारिश हो रही है, ठीक है. जो चीज़ें चल रही होती हैं present में, हम लोग उस चीज़ को present continuous tense कहते हैं. फाइन. प्रेजेंट का मतलब अभी हाल ही में जो चल रहा है. कंटिन्यूस चलता हुआ टेंस जो कि हमें एक्शन का टाइम का बताता है, दैट इज नोन एज अ टेंस. फाइन. वी हैव अ डेफिनेशन. एन एक्शन आर कंडीशन. वो एक्शन, वो जो काम हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, या कंडीशन वो शर्त जो भी चीज होती है, इज हैपनिंग नाउ, जो भी चल रही है. जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं. इज हैपनिंग नाउ, जो कि अभी हो रहा है फ्रीक्वेंटली, ठीक है, अभी से. एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर. क्या पता वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो फ्यूचर में भी आपको काम आएगा. तो सो इसमें भी कंटिन्यू इन अ फ्यूचर. तो हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है इसका, पहले तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही होती है, हेल्पिंग वर्ब जो कि हम यूज करते हैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने में, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा क्योंकि हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. जैसे आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं. टीचिंग आईएनजी, लिसनिंग आईएनजी. इसी तरह से आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल इसमें होगा. अदर वर्ड्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो सके. कभी मैं बोलती हूँ मैं खाना खा रही हूँ, जा रही हूँ, मैं चल रही हूँ, तो ये क्या है, अदर सेंटेंसेस. हेल्पिंग वर्ब तो यूज हुआ, अदर सेंटेंस का यूज हमने क्यों किया, ताकि हमारे सेंटेंस को मीनिंग मिल सके और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो सके. फाइन. ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है. शी इज ईटिंग लंच, अब यहाँ तक तो पूरा था. शी इज ईटिंग, वो खा रही है, चल रहा है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस. लंच, अदर वर्ड्स ने हमारे सेंटेंस को कंप्लीट किया. ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है. तो प्लेइंग क्या है, आईएनजी का फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. क्रिकेट हमारा अदर वर्ड्स है. हम लोगों को जब भी सेंटेंस को करना है, अपने माइंड में कुछ जो टिप्स है या पॉइंट्स है उसको रिमेम्बर रखे, याद रखे चलना है. वी यूज द आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. हमें आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है. जैसे कि वॉकिंग, चलना, वॉकिंग, राइटिंग, टीचिंग, लिसनिंग, हमें हमेशा आई एन जी फॉर्म का यूज ही करना है अपने सेंटेंसेस के लिए. सेकेंड इज द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाई हेल्पिंग वर्ब्स. आपका जो सब्जेक्ट होएगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही आगे जाएगा. आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज मैंने है, एम, आप, आर, अगर ज्यादा होंगे, इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रहता है. आपको याद करना रखना है, जब भी हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है. आर का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है. लेकिन ये जो एम और आई हैं, इनके साथ आपका हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही लगता है. सिर्फ दो ये वर्ड को हमेशा याद रखिए, एम एंड आई, आप हमेशा प्लूरल ही यूज करते हैं. द सब्जेक्ट यू ऑलवेज टेक द हेल्पिंग वर्ब्स आर. आप लोग सब्जेक्ट को यू ऑलवेज टेक हेल्पिंग वर्ब आर, आप आर का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है. ये चीज आई होप क्लियर होगी होगी. अब हम बुक से देख लेते हैं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में से पैसेज क्या दिया है. रीड द पैसेज केयरफुली, आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है. एंड टेक नोटिस ऑफ द वर्ड्स रिटन इन कलर लेटर्स, और जो ये कलर लेटर्स में दिए गए वर्ड्स हैं इनको ध्यान देना है. साइमा इज इन हर स्टडी रूम. साइमा कहाँ पे है, अपने स्टडी रूम में है. शी इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, वो एक स्टोरी बुक पढ़ रही है.
हर मदर इज इन द किचन, उसकी मम्मा किचन में है. शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है. हर यंगर ब्रदर इज वॉचिंग टेलीविजन, उसका जो छोटा भाई है वो टीवी देख रहा है. देयर फादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, उनके जो पापा हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. ग्रैंडमदर इज सिटिंग ऑन द सोफा, ग्रैंडमदर कहाँ बैठी है, सोफा के ऊपर. ग्रैंडपा इज स्लीपिंग ऑन द बेड, और जो ग्रैंडपा है वो कहाँ सोए हैं, बेड के ऊपर. ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है पिक्चर में. Somebody is knocking at the door, किसी ने दरवाजे को नॉक किया. साइमा इज गोइंग टू द गोइंग टू द डोर, अब साइमा जो है डोर के पास दरवाजे के पास जाती है. शी इज ओपनिंग द डोर, वो दरवाजे को खोलती है. द कैट इज कमिंग इन टू द रूम, जो बिल्ली है कैट है वो रूम के अंदर आ रही है. साइमा एंड हर ब्रदर रनिंग आफ्टर द कैट, साइमा और उसका जो भाई है दोनों बिल्ली के पीछे भागते हैं. द कैट इज रनिंग अवे, और जो कैट है वो भाग के कहीं दूर चली जाती है. ठीक है, अब हमने इसमें क्या चीज नोटिस की कि जो हमारे कलरफुल वर्ड्स थे, जैसे कि शी इज रीडिंग, रीडिंग में आईएनजी आया जो कि चल रहा है पढ़ रही है. वॉचिंग देख रहे हैं, रीडिंग पढ़ रहे हैं, स्लीपिंग सो रहे हैं, नॉकिंग कटकड़ा रहे हैं, ओपनिंग खोलना, रनिंग भागना, कमिंग आना. ठीक है, ये सब चीजें क्या चीजें प्रेजेंट में. साइमा अपने स्टडी रूम में है, वो किताब पढ़ रही है, उसकी मम्मा खाना बना रही हैं, दादी जो है वो सोफे पर बैठी हैं, ग्रैंडपा जो है वो उस बेड पे सोए हैं, कोई नोक कर रहा है. ठीक है, दरवाजा खुल रहा है. इच नथिंग इज अ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो चीजें हमारी चल रही होती हैं हम उसी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं. आप लोगों के जो फ्रेमिंग वर्ड्स रहेंगे, सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, आप लोग अपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे, जैसे प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग, वॉकिंग, टीचिंग, लिसनिंग, दैट्स योर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है. सेकेंड थिंग, हमें जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है, हमारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा किससे फॉलो होगा, इज से, एम से और आर से. इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब तीन रहेंगे, इज, एम, आर, क्योंकि ये प्रेजेंट में है. द हेल्पिंग वर्ब इज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, आपका जो हेल्पिंग वर्ब इज है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, और जो आपका हेल्पिंग वर्ब आर है वो आप हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे. हाउ आर द हेल्पिंग वर्ब्स, एम इज यूज विद सब्जेक्ट आई, आपका जो हेल्पिंग वर्ब एम है इज यूज विद द सब्जेक्ट आई ओनली, इसके साथ ही यूज होता है. आप हमेशा आई एम अ बॉय, आई एम सिटिंग इन द फर्स्ट क्लास, आई एम डूइंग दिस वर्क, आई और एम का कॉम्बिनेशन ही रहता है. द सब्जेक्ट यू ऑलवेज टेक द हेल्पिंग वर्ब आर, आपका जो सब्जेक्ट यू होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगता है. इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है, आपका जो सब्जेक्ट है यू ऑलवेज टेक द हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर वेल, यू आर गुड. ठीक है, यू के साथ आप आर का यूज करेंगे. फाइन, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर जिस तरह से हमें करना है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स. इस तरह से हमें अपने सेंटेंस जो एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पे दी हुई इनको कंप्लीट करना है. तो एक देख लेते हैं एग्जांपल. यू आर आस्किंग गुड क्वेश्चन, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. द बॉयज आर प्लेइंग ऑन द रोड, लड़के जो हैं रोड पे खेल रहे हैं. सानिया इज कमिंग टुडे, सानिया आज आ रही है. He is telling a lie, वो झूठ बोल रहा है. They are coming by train, वो ट्रेन से आ रही है. ये रहा हमारा सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर, हमने यहाँ देख लिया किस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अपना जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं. इसी स्ट्रक्चर को यूज करके इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं वो हमने कंप्लीट करनी है. सब्जेक्ट को देखना है, हेल्पिंग वर्ब को देखना है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, अदर वर्ड्स. इन चार चीजों की मदद से हम लोग अपना जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है यानी एक्सरसाइजेस है इसे कंप्लीट करते हैं और अपनी डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज करते हैं. फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस यू हैव टू कॉल मी और व्हाट्सएप मी. स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.